हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 68 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था इबो को किस करने के बाद जब जानू से पूछता है कि चलो चले, तब इबो कहता है कहाँ, शॉपिंग पर। जान ने जवाब दिया। तब जाकर इबो को याद आया कि वो कहाँ खड़ा है। उसने अपने आसपास देखा, सब लोग सर झुका के खड़े थे। तब जान ने इवो को अपने करीब खींचते हुए कहा, उन लोगों को जो नहीं देखना है वो नहीं देखते। चलो, जान का स्टाफ तो बहुत वेल मैनर्ड है। अब जान ने जॉन से कार की कीज मांगी और जान की आवाज़ सुनकर जॉन ने तुरंत अपना सर उठाया। यस सर कहकर वो जान को चाबी देने के लिए बढ़ा। जान ने कहा, इबो हम कार से चलते हैं, बेबी को आराम करने की ज़रूरत है। ये बात समझते हुए इबो ने भी हाँ में सर हिलाया और लेले की तरफ देखकर कहा, लेगा प्लीज़ बेबी का ख्याल रखना। तो लेने तुरंत जवाब दिया, यस सर। अब इबो कार में बैठ गया। जहान ने तुरंत कार ड्राइव करना शुरू किया। उनके पीछे दो सिक्योरिटी कार्स भी चलने लगी। जहान कार ड्राइव कर रहा था और इबो बिल्कुल शांति से बैठा था। वो अपने चेहरे पर आ रही हवा के झोंकों को एंजॉय कर रहा था। कुछ मिनट बाद जान ने पूछा, लव तुम कहाँ जाना चाहते हो? इबो अभी भी बाहर ही देख रहा था। जान की बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बीचिंग सुपरमार्केट। ठीक है, जान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इबो फिर से अपने ख्यालों में खोने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आया। उसने जान को पुकारा, जान का जान ने जवाब दिया। तो इबो ने कहा, क्या आप सुपरमार्केट से थोड़ी दूरी पर कार पार्क कर सकते हो? वो क्यों? जान ने पूछा। तो इबो ने कहा, जान का आपके कार की कीमत क्या है? जान को ये सवाल कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, ये तुम क्यों जानना चाहते हो? तो इबो ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके कार की कीमत क्या है? तो जान ने कहा, 10 लाख युआन। क्या? इबो ने आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा। तो जहान ने कहा, यस डियर। अब इबो ने अपनी छाती पर हाथ क्रॉस करते हुए कहा, यही तो वजह है। अब तो जहान और भी कंफ्यूज हो गया। मैं कुछ समझा नहीं डियर, उसने कहा। तो इबो ने कहा, ओल्ड मैन, कोई भी सुपरमार्केट में मिलियन डॉलर की कार लेकर नहीं जाता। अब जाकर जहान को ये बात बतानी पड़ी। ठीक है समझ गया, उसने इबो से कहा। तो इबो ने कहा, और हाँ कोई बॉडीगार्ड्स नहीं। तो जान तुरंत बोल पड़ा, इबो ये पॉसिबल नहीं है। जान सिक्योरिटी के मामले में कभी भी इबो की बात नहीं सुन सकता, क्योंकि इबो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्योंकि वो इबो की सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी को उसकी एक झलक भी दिख गई तो पता नहीं क्या होगा। इधर जान ये सोच सोच के ही परेशान हो रहा था और दूसरी तरफ इबो कह रहा था कि वो बिल्कुल कॉमन लोगों की तरह शॉपिंग करना चाहता है। अब दोनों भी अपनी जिद पर अड़ गए। इबो ने कहा, प्लीज़ जान का। तो जान ने कहा, बिल्कुल नहीं। इबो के चेहरे पर पाउट आ गया। प्लीज़ गो, उसने फिर से एक बार रिक्वेस्ट की। उसे पता था जान उसकी हर बात मानता है, पर शायद इस बार उसका जादू नहीं चल रहा है, क्योंकि जान ने फिर से एक बार उसे मना किया। तो इबो ने कहा, वो क्यों? माना कि जान का चेहरा सख्त था, पर उसकी आंखों में इबो के लिए परवाह झलक रही थी। उसने कहा, लव तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। इबो तुरंत बोल पड़ा, मुझे सुपरमार्केट में क्यों सिक्योरिटी टीम अपने साथ चाहिए? तो जान ने सहाय करके कहा, क्योंकि तुम वांग इबो हो, चाइना के सबसे फेमस एक्टर। यहाँ पर कोई गलती से भी ये जान गया कि वांग इबो यहाँ मौजूद है तो सोच सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। जान को पता था इबो का फैंडम बहुत बड़ा है। इबो को जान की परवाह समझ तो आ रही थी, पर वो नहीं चाहता था ऐसी सिंपल सी शॉपिंग के लिए वो पूरी बॉडीगार्ड की टीम साथ लेकर घूमे। वो बस एक आम आदमी की तरह आज का दिन एंजॉय करना चाहता था, और अगर जान उसके साथ है फिर उसे किस बात की परवाह है। इसलिए उसने क्यूट आवाज़ में कहा, हबी आप भी मेरे साथ होंगे, फिर मुझे सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? उसने क्यूटली अपने पल के झपकाते हुए कहा, मुझे पता है मेरे हबी किसी भी सिक्योरिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे।
जाने ईबो की सारी हरकतें देखी और सुनी। उसे पता था ईबो क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर इससे जान का डिसीजन नहीं बदलने वाला था। उसने फिर से एक बार कहा, नहीं ईबो। फिर उसने कार रोक दी, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर सुपरमार्केट था। तो उसने ईबो की तरफ देखकर कहा, चलो चले। जान ने ईबो के मुंह पर मना कर दिया था, पर ईबो इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाला था, इसलिए वो वहीं पर बैठ गया। जब जान ने देखा कि ईबो की तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही, तो उसने फिर से एक बार कहा, वो चलो चले। पर ईबो ने तो मुंह फेर लिया, तो जान ने साय करते हुए कहा, प्लीज़ लव। पर ईबो तब भी नहीं माना। अब जान भी समझ गया ईबो किसी भी हालत में अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, तो उसने कहा, ठीक है डियर, सिक्योरिटी हमारे पीछे नहीं आएगी। ईबो ने तुरंत जान की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ईबो ने तुरंत दो फेस मास्क ले लिए, एक खुद पहन लिया और एक जान को देते हुए कहा, चलो चले। दोनों के कार से उतरते ही सिक्योरिटी टीम उनके पीछे आ गई, तो ईबो ने उन्हें इशारा देते हुए कहा, कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। जान तो ये बात सुनकर शॉक्ड ही हो गया। उसने तुरंत जान की तरफ देखा, तो जान ने जान की तरफ देखकर नोट करते हुए कहा, जान अपने लिटिल बॉस के ऑर्डर्स मानो। ये बात सुनकर ईबो के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने कहा, जॉन मेरी बात मानो। फिर वो जान की तरफ मुड़कर उसके हाथ में हाथ देते हुए बोला, चलो हबी। अब जान ने बस जॉन की तरफ देखकर दो बार ब्लिंक किया और वो ईबो के साथ चला गया। जॉन अपने बॉस का इशारा बहुत अच्छे से समझ गया और उसने बस हाँ में सिर हिलाया। शाम के 4 बज रहे थे। सुपरमार्केट बहुत ज़्यादा बिजी था, पूरा भीड़ से भरा हुआ। वहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद थे। दूसरी तरफ ईबो और जान दोनों ने भी फेस मास्क पहना था, इसलिए कोई भी उन्हें पहचान नहीं रहा था और ना ही उन पर ध्यान दे रहा था। यह देखकर ईबो ने स्माइल करते हुए कहा, देखा, आप बेवजह ही परेशान हो रहे थे, हमें कोई भी नहीं पहचान रहा है। जान ईबो का पॉइंट बहुत अच्छे से समझ चुका था, इसलिए उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है डियर। कहीं ना कहीं वो भी ये सब कुछ देखकर सेटिस्फाई हो चुका था कि चलो अब उसका पिलोट बिल्कुल सेफ है। ईबो ने फिर से एक बार अपने आसपास नज़र घुमाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो जानगा। जान ने भी हमें सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम कहाँ से शुरुआत करना चाहते हो? जान बहुत समय बाद सुपरमार्केट आया था। अब तक उसकी हर ज़रूरत का ख्याल शुमा रखती आई थी, इसलिए उसे ये सब चीज़ें करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। शुमा को जान की ज़रूरतों की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि बस जान देखता था और शुमा वो चीज़ उसके सामने हाजिर कर देती थी। उसे कहने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और यही हाल था वेनिंग का, जो ऑफिस में जान के लिए यही काम करता था। वेनिंग के रहते जान को अपनी पर्सनल कामों के लिए इधर का दिन का उधर करने तक की ज़रूरत नहीं थी। और हो भी क्यों, वो मिनटों में हजारों लाखों की डील्स क्रैक कर देता था, तो उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल करने का काम वेनिंग का ही रहता था। अब जान इतने दिनों बाद शॉपिंग पर आया था, तो बस वो ये चाहता था कि सब कुछ सही से हो जाए और उसका बेबी हैप्पी हो, साथ ही सेफली घर पहुंचे। उसने ईबो को सारी छूट दे दी थी, तो ईबो ने जान की तरफ देखकर कहा, ठीक है मिस्टर सेन, चलो चलते हैं। अब दोनों वहाँ पर आ गए जहाँ पर ट्रॉलीज रखी जाती है। वहाँ पहुँचते ही ईबो ने जान के सामने हाथ किया, जैसे कि वो जान से कुछ मांग रहा हो। जान को यह समझ नहीं आया, तो उसने कहा, लव क्या हुआ? जान की बात सुनकर ईबो की भुएँ सिकुड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जान क्या चाहता है कि ईबो उसे क्या एक्सप्लेन करे। ईबो ने कहा, जान का दीजिए ना। जान पहले तो शॉक हो गया, फिर इधर उधर देखने लगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उसके चेहरे पर हल्का सा ब्लश आ गया और उसने ईबो से कहा, बो तुम श्योर हो? जान की बात सुनकर ईबो भी कंफ्यूज हो गया और बोला, हाँ मिस्टर सीएन। पर इसके बाद जो हुआ उससे ईबो बहुत बुरी तरह से शॉक हो चुका था, क्योंकि जान ने इधर उधर देखा, कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। उसने तुरंत अपना मास्क नीचे किया, फिर ईबो के गाल, और ईबो ने उसके सामने जो हाथ खुला रखा था उस पर किस किया।
इबो अभी भी शौक में था। अचानक से उसके गगो उसे किस क्यों कर रहे हैं? वो भी ऐसी भीड़ वाली जगह पे। उसके कान लाल हो गए। वो तो शुक्र है उसका चेहरा मास्क के पीछे छिपा था, वरना हर कोई समझ जाता वहाँ पर चल क्या रहा है। तभी जान ने अपना मास्क ऊपर उठाते हुए कहा, अब खुश? तब कहीं जाकर इबो होश में आते हुए बोला, ये था क्या? तो जान ने इबो की तरफ झुकते हुए कहा, तुम किस चाहते थे तो मैंने कर दिया, पर सॉरी मैं तुम्हें होठों पर किस नहीं कर सकता, शायद इससे हम रिवील हो जाएंगे। जान की ब्रीदिंग सीधा इबो के कान पर आ रही थी, जिससे उसके पूरे बदन पर रोमांच उठ रहे थे, पर अभी भी वो शौक से नहीं उभरा था। वो आंखें बड़ी बड़ी करके जान की तरफ ही देख रहा था। तो जान को लगा शायद कुछ गलती हुई है। उसने कहा, क्या तुम सच में होठों पर किस चाहते हो? तभी इबो होश में आते हुए बोला, शेमलेस ओल्ड मैन। वो जान से दूर हट गया। ये देखकर जान के माथे पर शिकन आ गई। उसने कहा, हे मैं शेमलेस नहीं हूँ। तो इबो जान को घूर कर देखते हुए बोला, मैंने आपसे किस नहीं मांगा था मिस्टर सीएन? तब जान ने पूछा, फिर तुम क्या चाहते हो? अब इबो को लग रहा था कि जान के दिमाग में थोड़ी सी सेंसेस बनने चाहिए। फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरा मतलब कॉइन से था, मुझे कॉइन चाहिए। तो जान ने कहा, तुम्हें कॉइन क्यों चाहिए? अभी वो ब्लिंक करते हुए जान की तरफ देखने लगा। जान अभी भी क्लूलेस था। तो इबो ने साय करते हुए कहा, आपके पास कॉइन है मिस्टर सेन? जान ने फिर से एक बार कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, पर इबो ने उसे घूर कर देखा और कहा, मुझे जवाब दीजिए जानग, आपके पास कॉइन है या नहीं? जान ने इबो की बात सुनी, उसके एक्सप्रेशन देखे। उसे समझ आया कि इबो के साथ लड़ाई तो नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इबो भी ये समझ गया कि जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जान ने नाम ही सिर हिलाया तो इबो अपने पॉकेट्स ढूंढने लगा। फिर एक कॉइन निकालते हुए जान के सामने पकड़ कर कहा, मिस्टर सीएन शाओ? हाँ मिस्टर शाओवांग। जान ने जवाब दिया तो इबो ने कहा, इसे कॉइन कहते हैं। तो जान ने कहा, मुझे पता है। इबो ने कहा, तो फिर इसे अपने साथ रखने की आदत डाल लीजिए। अब इबो आगे बढ़ा। जान अभी भी क्यूरियोसिटी से उसे ही देख रहा था। जान ने देखा इबो ने आगे जाकर वहाँ पर एक कॉइन इंसर्ट किया, फिर ट्रॉली लेकर निकला। तभी इबो मुस्कुरा कर बोला, ताकि आप सुपरमार्केट में ट्रॉली ले सको। इससे पहले कि जान कुछ बोले, इबो जान के पास चला आया और उसके हाथ में ट्रॉली पकड़ाते हुए बोला, मैं शॉपिंग करूँगा और आपको मेरे पीछे ट्रॉली लेकर चलना है। तो जान ने बस हाथ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है पपी। इसे इबो के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, जो मास्क के पीछे से वैसे तो नहीं दिख रही थी, पर उसकी छोटी छोटी आंखें इस बात का पक्का सबूत दे रही थी। अब दोनों भी ज़रूरती सामान लेने के लिए चले गए। वहाँ पहुँचते ही इबो ने कहा, हम सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ें लेंगे। तो जान ने उसकी तरफ देख कर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम ले लो डियर, मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। इबो ने भी इस पर हामी भरी। फिर वो अपने लिस्ट से चीज़ें बताने लगा। टूथपेस्ट? जान ने देखा वो उसके पास में ही रखी है, तो उसने टूथपेस्ट ट्रॉली में डालते हुए कहा, हाँ देखो मिल गई। अब दोनों थोड़े से आगे बढ़े। इबो ने अगली चीज़ बताई, टूथब्रशेस। अब ऐसे ही अगले आधे घंटे तक चलता रहा। इबो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले रहा था और जान खुशी खुशी उसके पीछे ट्रॉली लेकर चल रहा था। और इबो के नखरे देखकर जान को बार बार ऐसा लग रहा था, उसका हस्बैंड तो बिल्कुल बच्चा है जो अपनी फेवरेट चीज़ें ढूंढने के लिए इधर से उधर भाग रहा है। पर चाहे जो हो, इबो को उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए एंजॉय करते हुए देखकर जान को भी बहुत अच्छा लग रहा था। इधर इबो भी इतने दिनों बाद शॉपिंग के लिए आया था तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। यह सिर्फ ट्रिप की बात नहीं थी, उसे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ ट्रिप प्लान करना, ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों भी मास्क के पीछे एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, पर दोनों ही जानते थे कि वो दोनों एक साथ समय बिताकर कितना खुश है। इबो ने आखिरी चीज़ ट्रॉली में रखते हुए कहा, ये रही सोप्स। सब कुछ हो गया मिस्टर सीएन। इबो ने जान की तरफ देखा, पर जान का ट्रॉली पर ध्यान नहीं था।
बल्कि उसके माथे पर शिकन थी। तो इबो ने पूछा, क्या हुआ ओल्ड मैन? तब जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो तुम्हें बस इन चीज़ों की ज़रूरत थी, ये तो हमें आसानी से मिल जाती। जान के हिसाब से ये बस एक फ़ोन कॉल का काम था और उन्हें वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती। तभी इबो ने कहा, पर क्या होता अगर ये वक्त पर नहीं मिलती तो? जान इसके जवाब के बारे में सोच रहा था। तभी इबो ने कहा, देखो इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे पास नहीं है। जान को अभी भी ऐसा ही लग रहा था, इबो का कहना तो सही है पर इन छोटी छोटी बातों के लिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें बहुत आसानी से अरेंज हो सकती है। तो उसने ये कहा भी, मैं ये सब अरेंज कर देता लव। इबो ने कहा, बात अरेंजमेंट की नहीं है। तो फिर क्या बात है? जान ने पूछा। तो इबो ने कहा, इसे कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही तैयार रखना। अभी इबो कुछ पैक्ड फूड के कंटेनर ट्रॉली में रखते हुए बोला, आपको पता है मिस्टर सेन, जब मैं कोरिया में था आइडल बनने की ट्रेनिंग के लिए, तब मैं हमेशा ऐसे ट्रिप्स और टूर्स पे जाता करता था बाकी लड़कों के साथ। तब मुझे एक चीज़ समझ आई कि चाहे जो कुछ भी हो, हम गरीब हैं या अमीर, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हर चीज़ के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तभी से मैं ये सब चीज़ें फॉलो करता हूँ। अभी भी जब मैं टूर पर जाता हूँ मैं पहले से ही सब कुछ रेडी रखता हूँ। अब जान ने मुस्कुरा कर कहा, समझ गया लव। अरे वाह, इबो ने कहा। फिर जान को आवाज़ लगाई, गगा। तो जान ने कहा, हाँ लव। इबो ने कहा, हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई पर क्या हम कुछ और शॉपिंग कर सकते हैं? तो जान ने कहा, हाँ लव, तुम जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकते हो। इबो तुरंत उसके गले लगते हुए बोला, थैंक यू गगा। जान ने पूछा, तो अब तुम क्या लेना चाहते हो? इबो ने कहा, क्यों ना हम घर के लिए कुछ ले। तो जान ने कहा, ठीक है लव, आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।